हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीका से रिज्यूम बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन कर लें। यहाँ से पेज लेआउट पे जाएं, मार्जिन पे जाएंगे और नैरो को सिलेक्ट, इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को लेंगे और जो कर्सर दिख रहा है यहाँ से इसे खींच कर नीचे ड्रॉ कर लें। इधर राइट साइड में दिखेगा इसकी हाइट 10.8 और विड्थ यानी 3D है। सेप फिल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से ये कलर सेप फिल कर लें, सेप आउट लें नो। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से शेप और ओवल शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल बटन को प्रेस करके इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसे अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। शेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से इसके बीच को बढ़ा लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। से फिल के ऑप्शन पे जाएंगे पिक्चर और यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने जो पिक्चर रखा है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करा दें। इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे सेव और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को लेकर पिक्चर के नीचे ड्रॉ करेंगे। इसमें अपना नाम टाइप करेंगे, नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर लेंगे। यहाँ से सब फोन को कैन डे कर लेंगे, इग्नोर यहाँ से फॉर्मेटर पे क्लिक करेंगे, सेव फिल नो फिल सेव आउटलाइन नो आउटलाइन, टेक्स्ट को कॉपी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे वाइट कर लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से सेव और यहाँ से सेव को सिलेक्ट करके नेम के नीचे ड्रॉ करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट, इस पर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से होम पे जाकर इसे बीएफ फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर बोल और इसके साइज को बढ़ा देंगे। ये जो पीला डॉट दिख रहा है वहाँ पे इसको पीला डॉट पे क्लिक करेंगे और इसको अंदर की ओर खींच लेंगे ताकि इसका शेप राउंड हो जाए और इसे इधर से छोटा सेंटर में इसको कर लें। इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और यहाँ से सिप फिल में इसको ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, सेव और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट के नीचे यहाँ ड्रॉ करें। मैंने समय बचे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए सारे डिटेल यहाँ पे नोट करके रखा है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट पेस्ट कर और यहाँ से इसको सेव फिल नो फिल सेव आउट में नो, पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लें और यहाँ से बटन पे जाके इसके टेक्स्ट को वाइट कलर सेलेक्ट इसे इग्नोर और इसे फिर से सेलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे।
से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और जो प्लस का निशान बन जाए तो इसको खींच के नीचे पे छोड़ देंगे। कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे टाइप करेंगे स्किल्स। और वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और प्लस का निशान बनने पर यहाँ खींच के ला के छोड़ें। टोटल टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट। यहाँ पे पहले से जो डिटेल मैंने लिख रखा है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लें और कॉपी कर दें पेस्ट सिलेक्ट करेंगे और इसके टेक्स्ट को वाइट कर लेंगे। सब बॉक्स में छोटा कर लेंगे। स्किल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके ला के नीचे यहाँ खींच दें। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लैंग्वेज लैंग्वेज। सेट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे जो आप लैंग्वेज जानते हैं, नहीं जानता इंग्लिश तो इंग्लिश को। सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट चेंज कर लीजिए, साइज को बड़ा कर लीजिए, उसको बोल्ड कर लीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। सेफ फील नॉट फील, सेफ आउट है नो आउट है। कलर को ऐड कर लीजिए नीचे इंटर और यहाँ पे कर जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से सेफ लेंगे और यहाँ पे इंग्लिश के नीचे यहाँ ये कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर ले वाले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे कलर ये वाला कलर यहाँ से फिल कर देंगे। नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लगभग कर छोड़ेंगे और इसको यहाँ से फिल में जाकर ब्लैक सेलेक्ट करेंटर के जो हिंदी फिर से अपना जाएंगे सुनेंगे और यहाँ पर फिर नीचे ड्रॉ कंट्रोल डी से इसे भी डुप्लीकेट कर लेंगे। ये कलर से इसको फिल कर देंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को ब्लैक और इसको यहाँ से ऊपर ले जाकर इसको छोड़ देंगे और कॉर्नर से इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये अब इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके और यहाँ से खींच के इसे लाकर यहाँ पे बीच में छोड़ देंगे। कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोफाइल। सेट में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल के नीचे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। डिटेल्स जो मैंने रखा है यहाँ से प्रोफाइल को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल डी। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके जब प्लस का निशान ना जाए तो इसको खींच के नीचे लाएंगे। प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एजुकेशन एक्सपीरियंस।
ऊपर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, प्लस का निशान आ जाएगा, आए तो यहाँ पे खींच के नीचे जाकर पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और ऐसे डिलीट जो भी एक्सपीरियंस पहले से लिख के रखें मैंने उसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी यहाँ से कंट्रोल पी बॉक्स इतना सब बड़ा कर लेंगे और यहाँ से एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस कर नीचे खींच के लाके यहाँ पे एजुकेशन क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे, बॉक्स को बड़ा करेंगे, जो भी हाइड टेक्स्ट लिखा हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाहे तो यहाँ प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं, आप यहाँ से इसे प्रिंट पे क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं, जितना कॉपी निकालना चाहे निकाल कर ओके कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ इसको हम नाम से डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसे प्रिंट निकाल कर इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो गया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।